सो मोना, कैसा लग रहा है करवा चौथ इन गोवा? सो आज है हमारा सेकेंड डे इन गोवा और अभी बज रहे हैं 7 और आज करवा चौथ भी है, तो आज मोना का रहेगा फास्ट। तो आज हमें मंदिर जाना है और कुछ सामान लेके आना है, तो थोड़ी देर में तैयार होके हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो हम तैयार हो गए, अब हम निकल रहे हैं जाने के लिए। हाँ आगे हमने रिसोर्ट से बाहर, अब हम स्कूटी रेंट से लेने के लिए बात करने जा रहे हैं। पहले एक स्कूटी लेनी पड़ेगी कहीं जाने के लिए। पेमेंट पहले की कर दी? तो 1 घंटे की कमर तो ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हैं विगेटर बीच। हमें एक्चुअली में जाना था कोड़ा फूट, बट क्योंकि आज मोना का फास्ट है तो फिर हमने यहाँ से यू टर्न लिया वहाँ से और हम विगेटर बीच आ गए। तो आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं एक बार। पीछे मोना खड़ी है जो मुझे आज बहुत गुस्सा दिला रही थी, बार बार बोली थी स्कूटी धीरे चलाने के लिए, बार 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 बार, जो कि सही है बट गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि ज़्यादा मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है स्कूटी का, और गलत इसलिए है कि जब जो बंदा चला रहा होता है गाड़ी, अगर उसको बार बार टोकोगे ना तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये ऊपर की साइड में छपोरा फोर्ट है, छपोरा फोर्ट से पूरा एगेटर बीच का पूरा व्यू दिखता है। कर क्या रही हो? फुटप्रिंट चले गए। वाह मस्त गेम है ये तो। हो गया गेम खत्म, चले कहीं और चलते हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या है, यहाँ तो कुछ मिला नहीं हमें। चलो बैठो। फाइनली हम पहुँच गए लिटिल वेगेटर बीच। यस दिखाता हूँ। ये किसी एंगल से लिटिल तो नहीं लग रहा। वही है वहाँ पे वो वाला बीच जहाँ पे नदी है, बट इसका नाम लिटिल क्यों है सर? ये तो प्रॉपर आइलैंड की तरह नहीं लग रहा, जैसे आइलैंड होते हैं।
बट यहाँ पे भीड़ कम है, जितनी वहाँ थी उतनी भी। हम वहाँ से आए थे, वो है वेगेटर बीच, ये लिटिल वेगेटर। बहुत अच्छा पॉइंट मिला है व्यू के पर्सपेक्टिव से, दिखाता हूँ। ओहो थोड़ा स्लिपरी है, आराम से चलना। ये मुंबई वाइब्स दे रहा है, एग्जैक्टली मुंबई की तरह। इतने सारे हैं, तो बहुत सारे क्रैब्स हैं। ये भी तो वहाँ पर भी तो हैं, ये रहे। अब हम यहाँ बैठ चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज करवा चौथ है। अब व्रत है तो फिर इतना ज़्यादा घूम भी नहीं सकते हम, इसलिए अब हम बीच वगैरह ही घूम ही रहे हैं, क्या करें। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। तो वापस आ गए उसी रास्ते पे, जाना है दोबारा ऊपर हमें, सामने स्कूटी पार्क करी है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, एक बहुत खास ऊपर जा रहे हैं, ऊपर बहुत मस्त व्यू बताया है यहाँ पे। टॉप का पॉइंट है, यहाँ से प्रॉपर पूरा गोवा दिखता है। सही तो रास्ता है बिल्कुल। चलो देखते हैं ऊपर, हम जा तो रहते ऊपर बट यहाँ से जाया नहीं जा रहा, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्कूटी फिसल रही है तो हम ड्रॉप कर। सो मोना कैसा लग रहा है करवा चौथ इन गोवा, बोलो 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 क्या? कैसा लग रहा है तुम्हें? अब बस चांद थोड़ी देर में निकल जाएगा, हाँ बस। तो हमें एक बात पता लगी है कि यहाँ से हमें चांद दिखेगा नहीं, तो मैंने होटल के स्टाफ से पूछा कि क्या करें फिर इसमें हम, तो उन्होंने हमें ये बताया कि हम आपको बीच जाना पड़ेगा, बीच में आपको मून आराम से विजिबल होगा। तो अब यहाँ पे हम भी हैं और भी फैमिलीज़ हैं जिनको, मतलब जिनका करवा चौथ है, तो हम सारी फैमिलीज वहाँ जाके फिर इन लेडीज़ का व्रत तोड़वाएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं बीच पे। जा रहे हैं बीच की तरफ, चांद दिखी जाए वैसे, ट्राई करते हैं यहाँ से दिखे तो, लेट्स सी क्या होता है। सो हम पहुँच चुके हैं बीच, बट चांद अभी तक निकला नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 9:20 और 8:50 का टाइम था। एक्चुअली उस दिन हुआ ये क्लाउडी स्काई के वजह से मून विजिबल था नहीं, और जब जिस टाइम पे मून विजिबल था तो लेट नाइट के वजह से मैंने वो चीज़ शूट नहीं करी। तो यहाँ पे अपना हम ये वाला व्लॉग एंड करते हैं, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।